डोसा तो आपने बहुत बार खाए होंगे। अगर उसका पेस्ट से बिल्कुल ही नया नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इसके सामने पिज़्ज़ा भी फीके लगते हैं खाने में। तो शुरू करती हूँ मैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने बाउल में 1 गिलास पानी डाला है और इसमें मैं डालूँगी नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स को डाल दिया है और इसे हम ढक देंगे, 5 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है तो ढक्कन को हम हटा लेते हैं और नूडल्स से जो हमारा पक के तैयार हो गया है तो इसे हम चम्मच से इस तरह से मिला लेंगे। इसमें मुझे ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। और इसे चम्मच से आप इस तरह से ताकि लच्छे वगैरह ज़्यादा इसमें ना रहे तोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर लच्छे वगैरह को अच्छे से तोड़ दिया है और बिल्कुल ही अच्छे से मिल गया है। तब तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने जो डोसा का पेस्ट है वो लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ नूडल्स को। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद सब्ज़ी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डाला है। ये ऐसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ये भुंजा हुआ मसाला डाला है और इसमें मैं डालूँगी नूडल्स मसाला और सबको मैं मिला लूँगी। तो भुंजा हुआ जो मसाला है मेरे वीडियो में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अच्छे से मैं इसे मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिला लिया है और पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, तो पैन भी गर्म हो गया है। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच तेल और इस तरह से मैं इसे फैला लूँगी और घोल को डाल देती हूँ और 1 चम्मच से इस तरह से फैला देती हूँ। ऐसे मीडियम गैस पर 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी। तो ये देखिए, ऊपर से ये हो गया है। तब मैं दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। ये देखिए, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक दूसरे साइड भी पकने देंगे। तो दोनों तरफ हम अच्छे से इसे उलट पलट के पका लेंगे। ये देखिए, तो दोनों तरफ ये अच्छे हैं। तब मैं इसे निकाल ले लूँ और इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो सेम प्रोसेस से मैंने दोबारा कर रही हूँ। ये देखिए, तो कुछ नया खाने के मन हो फ्रेंड्स तो इस रेसिपी को आप ज़रूर करना। ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बिल्कुल ही अंदर से सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैंने सॉस के साथ, टमाटर सॉस के साथ मैंने यहाँ सर्व किया है। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे आप खा सकते हैं। तो मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कितना अच्छा दिखने में है और खाने में भी उतना ही ये टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर काट लिया है और ये जितना दिखने में अंदर से लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार आप घर पर इसे ट्राई करना और इसके सामने जो पिज़्ज़ा भी है वो आपको फीके लगेंगे। और जब भी आप ये बनाएं तो इसे गरम गरम ही सर्व करें, जिससे इसका टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।